बेसिकली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंसान इंसान से नहीं, टैलेंट टैलेंट से मिलता है। और इंडिया में इतना टैलेंट है बेसिकली कि कभी कभी प्लेटफॉर्म्स कम पड़ जाते हैं, एंड उसी वजह से बहुत से टैलेंट को जो लेवल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। विद दैट सेड, हेलो एवरीबॉडी आउट देयर, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट एज ऑलवेज। I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? So basically ये जो चीज़ है वो मेरे डैड ने मंगाई है उनके शॉप के शोकेस में रखने के लिए। आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्यों मंगाई और कितनी बार ये चीज़ मंगा चुके हैं। बेसिकली वो जितनी बार भी उन्होंने मंगाई है वो टूट गई है, उसके बाद भी वो मंगाते रहते हैं। आई हैव नो आइडिया फॉर वॉट। बेसिकली यू नो, एक इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कुछ भी चीज़ मंगवाना, और अगर वो मंगवा ले तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ और आपको दे भी नहीं सकती। गाइस, तो बहुत टाइम से बाइक वॉश नहीं कराई थी, सो थॉट कि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, संडे नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम मिल गया है तो बाइक वॉश कर लेते हैं। फॉर सम वर्क, ये लोग मेरे को बुला रहे थे ना कि मैं कैम टू नो कि जो चीज़ मैं 300 सब्सक्राइबर पे लेने वाला था वो इसने ऑलरेडी ले लिया है। एंड हु दैट इज, कांग्रेचुलेशंस, बट दैट डजंट मीन कि अपन कुछ नहीं लेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक समथिंग ऑन द 300 सब्सक्राइबर्स, सो गाइज मेक दैट सून, इट्स जस्ट यू गाइज यू कैन डू इट। तो फटाफट से घर पे जाके इसको अनबॉक्स करते हैं। बूम एंड हियर वी आर बैक होम, एंड फॉर्चुनेटली अपना जो खर्चा है वो अच्छा खासा बच गया, बिकॉज शी हैज़ टेकन दैट व्हाट आई वांटेड। एंड इसीलिए ठीक है ना, जब भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी अपन भी यूज़ कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट। डिफरेंट अबाउट द लैपटॉप इज कि ये बिना वायर के, कनेक्शन के बिना चलता है, ये बटन दबाने से चालू हो जाता है, एंड नथिंग न्यू। ओके, बेसिकली इट्स अ नाइस स्लिम एंड बिट हैवी, बट इजी नाइस हैंड के अंदर रह जाता है, एंड बेसिकली यू कैन जस्ट टेक एनीवेयर यू वांट, दैट्स अ नॉर्मल थिंग एवरी लैपटॉप हैज। ओके गाइस, तो जैसे कि अपन ने कंप्यूटर को अनबॉक्स कर दिया, लैपटॉप को बेसिकली अनबॉक्स कर दिया है, इसके लिए अपन ने ज़्यादा डीप के अंदर नहीं गए बिकॉज अपको टेक रिव्यू है नहीं, अपने को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं, जितना चाहिए वो अपने को मिल गया। वाह वाह, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर द बैग। बेसिकली इट हैज़ टू कंपार्टमेंट्स, इसके अंदर लैपटॉप रहेगा, बुक्स रहेगी, एंड कपड़े डालने, कपड़े डाल दो क्या फर्क पड़ता है, इसमें पेन एंड बुक्स डालो, उसको पहनो, एंड देन यू कैन जस्ट गो व्हेरेवर यू वांट ईजीली। एंड ये देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं जब भी कुछ अनबॉक्स करता हूँ तो उसको मजाबर तरीके से अंदर डाल के फिर कतरे में डालता हूँ, बट ये देखो ये लड़की ने ऐसा कतरा रखा है और उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये कचरा देखो अभी तक गया नहीं है और ये कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम कर रही है और इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये ना इंसाफी हो रही है। हमारे लिए कोई आवाज उठाओ, कोई आवाज उठाओ। और जैसे ही मैं घर पे आया, मेरा ये जो पार्सल है ये भी जो मैंने ऑर्डर किया था वही आया। वो तो अच्छा हुआ कि जो सही टाइम पे ऑर्डर किया था और जिस टाइम पे आना चाहिए थे वही टाइम पे आया, वरना ये मैंने मेरे बहन के नाम पे ऑर्डर किया था
और अगर मैं घर पे नहीं होता तो वो लोग का जो रिएक्शन था वो ऐसा था, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है, तो शायद ही ये लोग उसको वापस भिजवा देते और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती, तो अच्छा हुआ बेसिकली आ गया। बॉक्स के अंदर बॉक्स दिस इज अ टी कैटल जिसके अंदर अपन चाय बना सकते हैं। बेसिकली मेरे डैड को चाय की बहुत ही बुरी आदत है, वो दिन में कुछ 10-15 कप पी जाते हैं। सो माइट एज वेल आई थॉट कि यू नो ये अपन मंगा सकते हैं और थोड़ा बहुत उनके लिए यू नो कर सकते हैं। बट यू नो कि रोज़ चाय वाले को 10-15 कप के यू नो पैसे देने से बेटर है कि एक बारी इन्वेस्टमेंट कर दो अच्छा खासा एंड देन बनाओ जितनी चाय बनानी बनाओ, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ने मेरे लिए भी ऑर्डर किया है, डैड के लिए भी ऑर्डर किया है। डैड को दूध वाली चाय पसंद है और मुझे काली चाय पसंद है। सो जब मेरा मूड होगा मैं काली चाय पीऊँगा, डैड का मूड होगा तो दूध वाली चाय पी लेंगे। ओके गाइस, तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था बेसिकली इन 500 रुपीज़, एंड इफ़ यू गाइज आर विलिंग टू बाई द सेम प्रोडक्ट आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जाके खरीद लो, सर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गाइस तो जो भी है जैसा भी है बेसिकली अपने पास जो भी है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, दैट इज़ माई डैड एंड कोर्स ऊपर वाला गॉड। सो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच टू यू नो देम, बिकॉज यू नो माई फादर इज़ सो हार्ड वर्किंग। बेसिकली हार्ड वर्किंग तो सब होते हैं, हम भी है, बट हमारे हार्ड वर्क में वो हार्ड वर्क नहीं जो उनके हार्ड वर्क में है। सो बेसिकली या आई मीन थैंक यू। ऑलराइट पीपल, मुंबई में हो और बाहर नहीं जाए ऐसा तो बनना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए बेसिकली, बिकॉज मुंबई इज़ नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ एंड वो नाइट लाइफ फिर से शुरू हो चुकी है। सो वी आर गोइंग फॉर अ स्मॉल ड्राइव, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही सिर्फ जूस पीने के लिए एंड देन वी कम बैक होम। सो लेट्स गो। अनफॉर्चुनेटली जो अपना जूस सेंटर था जहाँ अपन जाते हैं वो बंद हो गया है। अनफॉर्चुनेटली 12 बज गए हैं तो ऑब्वियसली बंद हो गया है एंड इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन फिर भी अपन ने कुछ जुगाड़ लगाया है, लेट्स सी आ जाएगा बस थोड़ी देर में। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never. भाई साहब, अगर मेरे कॉरिडोर में अगर ऐसा लाइट झमझम करे तो कितनी भी इमरजेंसी हो मैं तो उठू ही ना, अपने बिस्तर से ना उठू, बिस्तर के अपने जो कंफर्ट है उसमें अपना सर डाल के इस तरह सो जाओ कि डायरेक्ट सुबह उठू। कुछ भी हो जाए बस जितने फोन बजने बजे मैं ऐसी लाइट में तो उठू ही ना। ऑलराइट गाइस, सो आई वेंट फॉर अ हेयर कट और एक लोचा हो गया है बिकॉज ऑफ विच आई कांट ओपन माय मास्क। So I'm gonna reveal it soon, but not in this video for sure. And look who's here with me. वैसे तो इसका बर्थडे कल था, बट हम आज मनाने के लिए आए हैं। What's up, bro? Yes. ये प्लान इसका था। सारे प्लान मेरे ही होते हैं, सारे प्लान मैं ही करता हूँ और बर्बाद यही करता है। सो बेसिकली वी आर हियर टू विश हर हैप्पी बर्थडे एंड वी गोना सेलिब्रेट नाउ। बाय द वे मैं इसको इंट्रोड्यूस करना भूल गया, शी इज माय फ्रेंड मिस्टर बंदूक, सॉरी मिस बंदूक वाला। एंड कॉलेज के बाद भी नहीं, कॉलेज के बाद तो मिले 3 साल हो गए बेसिकली, तो ऑलमोस्ट वी आर मीटिंग आफ्टर अ ईयर है ना। हां वो अदर देन वो तो वो पार्सल के अलावा, पार्सल के पार्सल के अलावा भी मैं आफ्टर 1 ईयर एंड बेसिकली और भी दोस्त अपने आ रहे हैं बट वो कैमरे में आते नहीं तो अपन लेंगे नहीं। तो बेसिकली
अपन दोस्त लोग पहले पहुंच गए, वी आर बेस्टीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Alright guys, so I'm back home and it was an amazing night. We had an amazing fun. Belated birthday achhi tarike se celebrate kiya. And yeah. And I'm really sorry, ye cheez main abhi aapko bata nahi sakta hoon. Basically, I'll show you in my next video. Stay tuned. Hope to see you guys soon. And I hope you guys like my video. Agar yahan tak dekha hai to like ka button dabana is anivary. एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो, जो मन में थॉट आए वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड आई होप टू सी यू सून। 2 3